या तीसरी कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है विक्रम यादव फिरोजाबाद। ताना बजाइए इस बच्चे के लिए, तीसरी कुश्ती इसी दंगल में एक जानिए पर लगातार। उमेश पहलवान मथुरा आपकी दूसरी है। हाँ पहली बराबर नहीं, मार दे मार दे, ठीक चलिए दूसरी कुश्ती इनकी, तीसरी इनकी। फ्रेंड्स वाले रंग बनिए की चलिए भाई राती भाग गाने वाले और सुनने वाले जहर वीर बाबा के आश्रम पर सादर आमंत्रित है। हमारे बीच में काफी अच्छे अच्छे भगवान बैठे हुए हैं। ब्रजभूषण भैया पूरी दलबल के साथ, सफाई वाले पूरे दलबल के साथ भाग का भी आनंद लेना मित्रों और फिर इंतजार करना 19 नवंबर की मीटिंग है और फिर इंतजार करना 29 फरवरी की फिर भागवत है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और हमारे अरुण भाई भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, संभवतः पहली बार इतनी मेहनत हुई होगी। इस क्षेत्र में पत्रकारिता का बड़ा सम्मान होता है और उन्होंने कहा कि मैं देवराज भाई के लिए दंगल में भी कूदा हूँ, बराबर लाइव के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपना कैमरा बिल्कुल लगाए हुए हैं कि आपको अगर दिखाया जाएगा तो आपको मज़ा आए कुछ। वाकई में इतना इंटरेस्ट अपने मेहनत के साथ और उनका उनकी मेहनत आपको लग रही होगी कि टीवी चैनल के पत्रकार बड़े हाई फाई प्रोफाइल के होते हैं और उन्होंने कहां से कहां जंगल में मंगल रखने की कोशिश की है। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत अच्छी कुश्ती चल रही है और निश्चित रूप से ये जब टीवी पर लाइव होगा, सीधा जब देखा जाएगा तो बड़ा आनंद आएगा क्योंकि टीवी पर बहुत कम समय के लिए दिया जाता है, समझता ही हमें तो 4-5 मिनट का मिलेगा तो बड़ी खुशी होगी। और जो राजमाए और जंगल में खामोशी चारों तरफ, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं भाई चंद्रकेश जी। इस दंगल के स्तंभ हैं वो, इस दंगल के एक स्तंभ में है, चार खम्भ लगे होते हैं, उन चार खम्भों में से एक स्तंभ है माननीय श्री चंद्रकेश अदम मास्टर साहब मंगला रमो। क्यों के वास्तव को अगर देखा जाए तो यथा नाम तथोगुणा, चंद्रमा में बहुत सुंदरता होती है, चंद्रमा की सुंदरता और शीतलता, गंगा तापम शशि तापम, शशि माने चंद्रमा, चंद्रमा गर्मी का हरण करता है। तो चंद्रकेश जी को जब कोई देखता है या इनसे वार्ता करता है तो हृदय यही कहता है, आनंद यही कहते हैं, ये चक्ष यही कहता है कि इस अमुक व्यक्ति के सामने से ना हटे, मन मन मुस्कुराहट और मधुर वाणी और सुंदर, बड़े सुंदर जिसे विधाता ने रुच रुच के सुंदरता प्रदान की हो, और मां सरस्वती ने सर्वदा अपनी वरदाहिनी वारदाहिनी वीरा वाहिनी मां सरस्वती ने बहुत बहुत अपनी अनुकंपा लाड़ने पर, तो ऐसे भाई चंद्रकेश जी जो आज इस अपने हाथ में लेखनी लेकर के और दंगल में
जो न्याय हो रहा है उसी के अनुसार से खजाने पर बैठ करके और उसी अनुसार से सभी पहलवानों को सम्मानित कर रहे हैं। और उनकी यह सभी बहन स्नेहलता आप मौजा के सभी बंधुओं से जिन्होंने झोली फैला करके मतदान माना है, इसलिए हमें उम्मीद है, हमें ये आशा है कि आज उस बेटी की झोली को आप लोग खाली नहीं रखेंगे। वो झोली फैला करके अपना अंचल फैला करके आप लोगों से वो प्रधान पद के लिए अपना अमूल्य वोट मांगने के लिए आप लोगों के सामने झोली फैलाई है, इसलिए उस बेटी की झोली को आप अवश्य भर देंगे, ये मुझे आशा और विश्वास है। और जिन्होंने सदैव अपने चंद्र चकोर जैसे चंद्रमा की तरफ चकोर पक्षी देखता है, ऐसे ही अपने पति चाहे देवराज की तरफ हमेशा चकोर पक्षी की देखने वाली इसलिए लता को आप लोग अपना मूल वोट दे करके भारी मतों से विजयी घोषित करें। धन्यवाद। इस दंगल की अंतिम कुश्ती, इस दंगल की आज की अंतिम कुश्ती होशियार सिंह टूडला, होशियार सिंह यादव टूडला जो कई एक जिले के केसरी है, आज होशियार सिंह यादव आज इस दंगल की अंतिम कुश्ती के लिए उतर पड़े हैं और उनकी कुश्ती होने भी जा रही है। ये नंबर एक की कुश्ती है, ये कई एक जिले के केसरी है, इसलिए आज जो है इस अंतिम कुश्ती का आप लोग आनंद लें। हाँ, और पलिंग